वेल तो जी यहाँ पर आप लोगों ने अर्जुन कपूर का, का नेम तो सुन रखा होगा हाँ अच्छे अल्फाज में नहीं तो बुरे में तो लाजमी सुना होगा ये सुना होगा कि हाँ उन्हें अच्छी एक्टिंग नहीं आती उनकी एक्टिंग स्किल अच्छी नहीं है ये सभी कुछ आप लोगों ने उनके बारे में सुन रखा होगा तो यहाँ पर मैं उनकी एक ऐसी मूवी लेकर आया हूँ जिनमें उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है एंड ये प्रूव किया है कि वो एक अच्छे एक्टर हैं यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2012 में रिलीज़ हो चुकी इश्क ज़्यादे के बारे में अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी है तो बेस्ट है आप लोगों ने देखी है वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो आप लोग इसे एक चांस दे सकते हैं मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ ये बार बार देखने लायक है बट हाँ आप लोग इसे एक मरतबा डेफिनेटली देखिएगा ये आप लोगों का चांस डिज़र्व करती है आप लोग अगर इसे एक मरतबा देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसे रिकमेंड लाजमी करेंगे तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2012 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर इश्कज़ादे के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई एंड कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखें तो काइंडली हमारे चैनल को तो लाजमी से सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा बट हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके चलते हम आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोस और भी लाते रहेंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर 2012 में रिलीज़ हो चुकी इश्क जादे के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी के जर्नर पर कि इस मूवी के जनरल में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा या नहीं होगा तो इसमें आप लोगों को एक्शन तो हाँ थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा बट बेसिकली ये मूवी जो है वो रोमांटिक मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को रोमांस के साथ साथ यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा एंड लिटरली वो काफ़ी अच्छे अंदाज में प्ले भी किया गया है उसी के साथ हम आगे बढ़े बढ़ेन बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम डोरेशन की बात करें तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो है जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जी बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो है यहाँ पर दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट जो कि एक एवरेज सी और डिसेंसी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आईएमडीबी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी गूगल के यूज़र्स की तरफ से सिक्सटी टू परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे अंदाज़ में यहाँ पर जो है वो सारी की सारी मूवी को प्रेजेंट किया है उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टोरी लाइन को यहाँ पर इन्होंने हैंडल किया है बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने प्रजेंट भी किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी को यहाँ पर अभी हम फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देख सकते हैं और डायरेक्शन को किसने संभाला है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो हैंडल किया है हबीब फैसल ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम सर अंजाम दिया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है अगर हम बात करें कि पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिस लाइक इन्होंने दावत इश्क इश्कजादे उसी के साथ साथ कैदी बंद दो दुनी चार बेवकूफियां लेडीज वर्सेस की पहल उसी के साथ साथ बैंड बाजा बारात झूम बराबर झूम आहा कल्याणम तार रमपम फैन और सलाम नमस्ते जैसी बहुत सारी मूवीज दी हैं और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं अगर मैं इनकी लिस्ट काउंट करने बैठूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी मूवीज दी हैं जिन्हें आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस

वेल तो जी यहाँ पर आप लोगों ने अर्जुन कपूर का, का नेम तो सुन रखा होगा हाँ अच्छे अल्फाज में नहीं तो बुरे में तो लाजमी सुना होगा ये सुना होगा कि हाँ उन्हें अच्छी एक्टिंग नहीं आती उनकी एक्टिंग स्किल अच्छी नहीं है ये सभी कुछ आप लोगों ने उनके बारे में सुन रखा होगा तो यहाँ पर मैं उनकी एक ऐसी मूवी लेकर आया हूँ जिनमें उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है एंड ये प्रूव किया है कि वो एक अच्छे एक्टर हैं यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2012 में रिलीज़ हो चुकी इश्क ज़्यादे के बारे में अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी है तो बेस्ट है आप लोगों ने देखी है वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो आप लोग इसे एक चांस दे सकते हैं मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ ये बार बार देखने लायक है बट हाँ आप लोग इसे एक मरतबा डेफिनेटली देखिएगा ये आप लोगों का चांस डिजर्व करती है आप लोग अगर इसे एक मरतबा देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसे रिकमेंड लाजमी करेंगे तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2012 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर इश्क ज़ादे के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई एंड कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखें तो काइंडली हमारे चैनल को तो लाजमी से सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा बट हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके चलते हम आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोस और भी लाते रहेंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर 2012 में रिलीज़ हो चुकी इश्क जादे के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी के जनर पर कि इस मूवी के जनर में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा या नहीं होगा तो इसमें आप लोगों को एक्शन तो हाँ थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा बट बेसिकली ये मूवी जो है वो रोमांटिक मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को रोमांस के साथ साथ यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा एंड लिटरली वो काफ़ी अच्छे अंदाज़ में प्ले भी किया गया है उसी के साथ हम आगे बढ़े बढ़ेन बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम डोरेशन की बात करें तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो है जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जी बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो है यहाँ पर दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट जो कि एक एवरेज सी और डिसेंसी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आईएमडीबी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी गूगल के यूज़र्स की तरफ से सिक्सटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे अंदाज में यहाँ पर जो है वो सारी की सारी मूवी को प्रेजेंट किया है उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टोरी लाइन को यहाँ पर इन्होंने हैंडल किया है बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने प्रेजेंट भी किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी को यहाँ पर अभी हम फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देख सकते हैं और डायरेक्शन को किसने संभाला है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो हैंडल किया है हबीब फैसल ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम सर दिया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट की है अगर हम बात करें कि पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिस लाइक इन्होंने दावत इश्क इश्क ज़ादे उसी के साथ साथ कैदी बंद दो दुनी चार बेवकूफियाँ लेडीज वर्सेस रिकी बहल उसी के साथ साथ बैंड बाजा बारात झूम बराबर झूम आहा कल्याणम तार रम फैन और सलाम नमस्ते जैसी बहुत सारी मूवीज दी हैं और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं अगर मैं इनकी लिस्ट काउंट करने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिन्हें आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस ज़ाया नहीं जाएगा तो आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक चांस तो दीजिएगा बाकी अगर हम बात करें स्टोरी लाइन की तो स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छे तरीके से दिखाई गई है स्टोरी को आदित्य चोपड़ा ने एंड नबी फैसल ने संभाला प्रोड्यूसर्स में आदित्य चोपड़ा देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को हेमंत चतुर्वेदी ने हैंडल किया एंड एडिटिंग को आरती बजाज ने संभाला तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली डिजर्व कर वेल तो जी यहाँ पर आप लोगों ने अर्जुन कपूर का नेम तो सुन रखा होगा हाँ अच्छे अल्फाज में नहीं तो बुरे में तो लाजमी सुना होगा ये सुना होगा कि हाँ उन्हें अच्छी एक्टिंग नहीं आती उनकी एक्टिंग स्किल अच्छी नहीं है ये सभी कुछ आप लोगों ने उनके बारे में सुन रखा होगा तो यहाँ पर मैं उनकी एक ऐसी मूवी लेकर आया हूँ जिनमें उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है एंड ये प्रूव किया है कि वो एक अच्छे एक्टर हैं यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2012 में रिलीज़ हो चुकी इश्क ज़्यादे के बारे में अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी है तो बेस्ट है आप लोगों ने देखी है वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो आप लोग इसे एक चांस दे सकते हैं मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ ये बार बार देखने लायक है बट हाँ आप लोग इसे एक मरतबा डेफिनेटली देखिएगा ये आप लोगों का चांस डिजर्व करती है आप लोग अगर इसे एक मरतबा देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसे रिकमेंड लाजमी करेंगे तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2012 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर इश्कज़ादे के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई एंड कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखें तो काइंडली हमारे चैनल को तो लाजमी से सब्सक्राइब कर दे क्योंकि इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा बट हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके चलते हम आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोस और भी लाते रहेंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज़ हो चुकी इश्क ज़्यादा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी के जनरल पर कि इस मूवी के जनरल में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या है? इस मूवी के अंदर हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा या नहीं होगा तो इसमें आप लोगों को एक्शन तो थो हाँ थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा बट बेसिकली ये मूवी जो है वो रोमांटिक मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को रोमांस के साथ साथ यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा एंड लिटरली वो काफ़ी अच्छे अंदाज़ में प्ले भी किया गया है उसी के साथ हम आगे बढ़े बढ़ेन बात करें टाइम ड्यूरेशन की कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जी बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो है यहाँ पर दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट जो कि एक एवरेज सी और डिसेंसी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आईएमडीबी बी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 6.5 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि हाँ काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी गूगल के यूज़र्स की तरफ से सिक्सटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है तो इस मूवी तो की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे अंदाज़ में यहाँ पर जो है वो सारी की सारी मूवी को प्रजेंट किया है उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टोरी लाइन को यहाँ पर इन्होंने हैंडल किया है बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने प्रजेंट भी किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी को यहाँ पर अभी हम फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देख सकते हैं और डायरेक्शन को किसने संभाला है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो हैंडल किया है हबीब फैसल ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम सर अंजाम दिया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट की है अगर हम बात करें कि पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिस लाइक इन्होंने दावत इश्क इश्कजादे उसी के साथ साथ कैदी बंद दो दुनी चार बेवकूफियां लेडीज वर्सेस रिकी बहल उसी के साथ साथ बैंड बाजा बारात झूम बराबर झूम आहा कल्याणम कल रंपम फैन और सलाम नमस्ते जैसी बहुत सारी मूवीज़ दी हैं और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं अगर मैं इनकी लिस्ट काउंट करने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिन्हें आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीब भी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस जाया नहीं जाएगा तो आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक चांस तो दीजिएगा बाकी अगर हम बात करें स्टोरी लाइन की तो स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छे तरीके से दिखाई गई है स्टोरी को आदित्य चोपड़ा ने एंड हबीब फैसल ने संभाला प्रोड्यूसर्स में आदित्य चोपड़ा देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को हेमंत चतुर्वेदी ने हैंडल किया एंड एडिटिंग को आरती बजाज ने संभाला तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली डिजर्व करती तो जी यहाँ पर आप लोगों ने अर्जुन कपूर का नेम तो सुन रखा होगा हाँ अच्छे अल्फाज में नहीं तो बुरे में तो लाजमी सुना होगा ये सुना होगा कि हाँ उन्हें अच्छी एक्टिंग नहीं आती उनकी एक्टिंग स्किल अच्छी नहीं है ये सभी कुछ आप लोगों ने उनके बारे में सुन रखा होगा तो यहाँ पर मैं उनकी एक ऐसी मूवी लेकर आया हूँ जिनमें उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है एंड ये प्रूव किया है कि वो एक अच्छे एक्टर हैं यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2012 में रिलीज़ हो चुकी इश्क ज़्यादे के बारे में अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी है तो बेस्ट है आप लोगों ने देखी है वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो आप लोग इसे एक चांस दे सकते हैं मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ ये बार बार देखने लायक है बट हाँ आप लोग इसे एक मरतबा डेफिनेटली देखिएगा ये आप लोगों का चांस डिजर्व करती है आप लोग अगर इसे एक मरतबा देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसे रिकमेंड लाजमी करेंगे तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2012 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर इश्कजादे के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई एंड कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखें तो काइंडली हमारे चैनल को तो लाजमी से सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा बट हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके चलते हम आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस और भी लाते रहेंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर 2012 में रिलीज हो चुकी इश्क ज़्यादा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी के जनर पर कि इस मूवी के जनर में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा या नहीं होगा तो इसमें आप लोगों को एक्शन तो थो हाँ थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा बट बेसिकली ये मूवी जो है वो रोमांटिक मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को रोमांस के साथ साथ यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा एंड लिटरली वो काफ़ी अच्छे अंदाज़ में प्ले भी किया गया है उसी के साथ हम आगे बढ़े बढ़ेन बात करें टाइम ड्यूरेशन की कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जी बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो है यहाँ पर दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट जो कि एक एवरेज सी और डिसेंसी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आईएमडीबी रेटिंग किया है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 6.5 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि हाँ काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी गूगल के यूजर्स की तरफ से सिक्सटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे अंदाज़ में यहाँ पर जो है वो सारी की सारी मूवी को प्रजेंट किया है उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टोरी लाइन को यहाँ पर इन्होंने हैंडल किया है बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने प्रेजेंट भी किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी को यहाँ पर अभी हम फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देख सकते हैं और डायरेक्शन को किसने संभाला है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो हैंडल किया है हबीब फैसल ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम सर अंजाम दिया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट की है अगर हम बात करें कि पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिस लाइक इन्होंने दावत इश्क इश्क ज़ादे उसी के साथ साथ कैदी बंद दो दुनी चार बेवकूफियां लेडीज वर्सेस रिकी बहल उसी के साथ साथ बैंड बाजा बारात झूम बराबर झूम आहा कल्याणम तार रमपम फैन और सलाम नमस्ते जैसी बहुत सारी मूवीज दी हैं और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं अगर मैं इनकी लिस्ट काउंट करने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिन्हें आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस ज़ाया नहीं जाएगा तो आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक चांस तो दीजिएगा बाकी अगर हम बात करें स्टोरी लाइन की तो स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छे तरीके से दिखाई गई है स्टोरी को आदित्य चोपड़ा ने एंड हबीब फैसल ने संभाला प्रोड्यूसर्स में आदित्य चोपड़ा देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को हेमंत चतुर्वेदी ने हैंडल किया एंड एडिटिंग को आरती बजाज ने संभाला तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली डिजर्व करती तो जी यहाँ पर आप लोगों ने अर्जुन कपूर का नेम तो सुन रखा होगा हाँ अच्छे अल्फाज में नहीं तो बुरे में तो लाजमी सुना होगा ये सुना होगा कि हाँ उन्हें अच्छी एक्टिंग नहीं आती उनकी एक्टिंग स्किल अच्छी नहीं है ये सभी कुछ आप लोगों ने उनके बारे में सुन रखा होगा तो यहाँ पर मैं उनकी एक ऐसी मूवी लेकर आया हूँ जिनमें उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है एंड ये प्रूव किया है कि वो एक अच्छे एक्टर हैं यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2012 में रिलीज़ हो चुकी इश्क ज़ादे के बारे में अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी है तो बेस्ट है आप लोगों ने देखी है वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो आप लोग इसे एक चांस दे सकते हैं मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ ये बार बार देखने लायक है बट हाँ आप लोग इसे एक मरतबा डेफिनेटली देखिएगा ये आप लोगों का चांस डिजर्व करती है आप लोग अगर इसे एक मरतबा देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसे रिकमेंड लाजमी करेंगे तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2012 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर इश्कजादे के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई एंड कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखें तो काइंडली हमारे चैनल को तो लाजमी से सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा बट हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके चलते हम आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस और भी लाते रहेंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज हो चुकी इश्क ज़्यादा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी के जनर पर कि इस मूवी के जनर में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा या नहीं होगा तो इसमें आप लोगों को एक्शन तो थो हाँ थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा बट बेसिकली ये मूवी जो है वो रोमांटिक मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को रोमांस के साथ साथ यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा एंड लिटरली वो काफ़ी अच्छे अंदाज में प्ले भी किया गया है उसी के साथ हम आगे बढ़े बढ़ेन बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है यहाँ इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम डोरेशन की बात करें तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो है जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जी बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो है यहाँ पर दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट जो कि एक एवरेज सी और डिसेंसी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आईएमडीबी भी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो एजी सिक्स पॉइंट आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी गूगल के यूज़र्स की तरफ से सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे अंदाज़ में यहाँ पर जो है वो सारी की सारी मूवी को प्रेजेंट किया है उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टोरी लाइन को यहाँ पर इन्होंने हैंडल किया है बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने प्रजेंट भी किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी को यहाँ पर अभी हम फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देख सकते हैं और डायरेक्शन को किसने संभाला है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो हैंडल किया है हबीब फैसल ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम सर अंजाम दिया है आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट की है अगर हम बात करें कि पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिस लाइक इन्होंने दावत इश्क इश्कजादे उसी के साथ साथ कैदी बंद दो दुनी चार बेवकूफियां लेडीज वर्सेस की पहल उसी के साथ साथ बैंड बाजा बारात झूम बराबर झूम आहा कल्याणम तार रमपम फैन और सलाम नमस्ते जैसी बहुत सारी मूवीज़ दी हैं और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं अगर मैं इनकी लिस्ट काउंट करने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिन्हें आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जा कर देख पा रहे थे एंड अभी फ़ाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी अमेज़ोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस ज़ाया नहीं जाएगा तो आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक चांस तो दीजिएगा बाकी अगर हम बात करें स्टोरी लाइन की तो स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छे तरीके से दिखाई गई है स्टोरी को आदित्य चोपड़ा ने एंड हबीब फैसल ने संभाला प्रोड्यूसर्स में आदित्य चोपड़ा देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को हेमंत चतुर्वेदी ने हैंडल किया एंड एडिटिंग को आरती बजाज ने संभाला तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली डिजर्व करती तो जी यहाँ पर आप लोगों ने अर्जुन कपूर का नेम तो सुन रखा होगा हाँ अच्छे अल्फाज में नहीं तो बुरे में तो लाजमी सुना होगा ये सुना होगा कि हाँ उन्हें अच्छी एक्टिंग नहीं आती उनकी एक्टिंग स्किल अच्छी नहीं है ये सभी कुछ आप लोगों ने उनके बारे में सुन रखा होगा तो यहाँ पर मैं उनकी एक ऐसी मूवी लेकर आया हूँ जिनमें उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है एंड ये प्रूव किया है कि वो एक अच्छे एक्टर हैं यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2012 में रिलीज़ हो चुकी इश्क ज़ादे के बारे में अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी है तो बेस्ट है आप लोगों ने देखी है वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो आप लोग इसे एक चांस दे सकते हैं मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ ये बार बार देखने लायक है बट हाँ आप लोग इसे एक मरतबा डेफिनेटली देखिएगा ये आप लोगों का चांस डिजर्व करती है आप लोग अगर इसे एक मरतबा देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसे रिकमेंड लाजमी करेंगे तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2012 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर इश्क जादे के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई एंड कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखें तो काइंडली हमारे चैनल को तो लाजमी से सब्सक्राइब कर दे क्योंकि इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा बट हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके चलते हम आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोज़ और भी लाते रहेंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज़ हो चुकी इश्क ज्यादे के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी के जनरल पर कि इस मूवी के जनरल में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा या नहीं होगा तो इसमें आप लोगों को एक्शन तो थो हाँ थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा बट बेसिकली ये मूवी जो है वो रोमांटिक मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को रोमांस के साथ साथ यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा एंड लिटरली वो काफ़ी अच्छे अंदाज में प्ले भी किया गया है उसी के साथ हम आगे बढ़े बढ़ेन बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम डोरेशन की बात करें तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो है जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जी बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो है यहाँ पर दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट जो कि एक एवरेज सी और डिसेंसी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आईएमडीबी रेटिंग किया है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी गूगल के यूज़र्स की तरफ से सिक्सटी टू परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे अंदाज़ में यहाँ पर जो है वो सारी की सारी मूवी को प्रेजेंट किया है उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टोरी लाइन को यहाँ पर इन्होंने हैंडल किया है बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने प्रजेंट भी किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी को यहाँ पर अभी हम फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देख सकते हैं और डायरेक्शन को किसने संभाला है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो हैंडल किया है हबीब फैसल ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम सर अंजाम दिया है आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है अगर हम बात करें कि पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिस लाइक इन्होंने दावत इश्क इश्क ज़ादे उसी के साथ साथ कैदी बंद दो दुनी चार बेवकूफियां लेडीज वर्सेस रिकी बहल उसी के साथ साथ बैंड बाजा बारात झूम बराबर झूम आहा कल्याणम तारा रम फैन और सलाम नमस्ते जैसी बहुत सारी मूवीज़ दी हैं और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं अगर मैं इनकी लिस्ट काउंट करने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिन्हें आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस ज़ाया नहीं जाएगा तो आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक चांस तो दीजिएगा बाकी अगर हम बात करें स्टोरी लाइन की तो स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छे तरीके से दिखाई गई है स्टोरी को आदित्य चोपड़ा ने एंड हबीब फैसल ने संभाला प्रोड्यूसर्स में आदित्य चोपड़ा देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को हेमंत चतुर्वेदी ने हैंडल किया एंड एडिटिंग को आरती बजाज ने संभाला तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली डिजर्व कर वेल तो जी यहाँ पर आप लोगों ने अर्जुन कपूर का नेम तो सुन रखा होगा हाँ अच्छे अल्फाज में नहीं तो बुरे में तो लाजमी सुना होगा ये सुना होगा कि हाँ उन्हें अच्छी एक्टिंग नहीं आती उनकी एक्टिंग स्किल अच्छी नहीं है ये सभी कुछ आप लोगों ने उनके बारे में सुन रखा होगा तो यहाँ पर मैं उनकी एक ऐसी मूवी लेकर आया हूँ जिनमें उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है एंड ये प्रूव किया है कि वो एक अच्छे एक्टर हैं यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल दो में रिलीज़ हो चुकी इश्क ज़्यादे के बारे में अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी है तो बेस्ट है आप लोगों ने देखी है वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो आप लोग इसे एक चांस दे सकते हैं मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ ये बार बार देखने लायक है बट हाँ आप लोग इसे एक मरतबा डेफिनेटली देखिएगा ये आप लोगों का चांस डिजर्व करती है आप लोग अगर इसे एक मरतबा देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसे रिकमेंड लाजमी करेंगे तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2012 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर इश्कज़ादे के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई एंड कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखें तो काइंडली हमारे चैनल को तो लाजमी से सब्सक्राइब कर दे क्योंकि इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा बट हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके चलते हम आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोस और भी लाते रहेंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज़ हो चुकी इश्क ज़्यादा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी के जर्नर पर कि इस मूवी के जर्नर में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा या नहीं होगा तो इसमें आप लोगों को एक्शन तो हाँ थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा बट बेसिकली ये मूवी जो है वो रोमांटिक मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को रोमांस के साथ साथ यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा एंड लिटरली वो काफ़ी अच्छे अंदाज़ में प्ले भी किया गया है उसी के साथ हम आगे बढ़े बढ़ेन बात करें टाइम ड्यूरेशन की कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है यह इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जी बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो है यहाँ पर दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट जो कि एक एवरेज सी और डिसेंसी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आईएमडीबी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी गूगल के यूज़र्स की तरफ से सिक्सटी टू परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे अंदाज़ में यहाँ पर जो है वो सारी की सारी मूवी को प्रेजेंट किया है उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टोरी लाइन को यहाँ पर इन्होंने हैंडल किया है बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने प्रजेंट भी किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी को यहाँ पर अभी हम फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देख सकते हैं और डायरेक्शन को किसने संभाला है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो हैंडल किया है हबीब फैसल ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम सर अंजाम दिया है आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है अगर हम बात करें कि पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जस्ट लाइक इन्होंने दावत इश्क इश्क ज़ादे उसी के साथ साथ कैदी बंद दो दुनी चार बेवकूफियां लेडीज वर्सेस रे की बहल उसी के साथ साथ बैंड बाजा बारात झूम बराबर झूम आहा कल्याणम तारा रंपम फ़ैन और सलाम नमस्ते जैसी बहुत सारी मूवीज़ दी हैं और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं अगर मैं इनकी लिस्ट काउंट करने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिन्हें आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस ज़ाया नहीं जाएगा तो आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक चांस तो दीजिएगा बाकी अगर हम बात करें स्टोरी लाइन की तो स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छे तरीके से दिखाई गई है स्टोरी को आदित्य चोपड़ा ने एंड हबीब फैसल ने संभाला प्रोड्यूसर्स में आदित्य चोपड़ा देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को हेमंत चतुर्वेदी ने हैंडल किया एंड एडिटिंग को आरती बजाज ने संभाला तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली डिजर्व करती वेल तो जी यहाँ पर आप लोगों ने अर्जुन कपूर का नेम तो सुन रखा होगा हाँ अच्छे अल्फाज में नहीं तो बुरे में तो लाजमी सुना होगा ये सुना होगा कि हाँ उन्हें अच्छी एक्टिंग नहीं आती उनकी एक्टिंग स्किल अच्छी नहीं है ये सभी कुछ आप लोगों ने उनके बारे में सुन रखा होगा तो यहाँ पर मैं उनकी एक ऐसी मूवी लेकर आया हूँ जिनमें उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है एंड ये प्रूव किया है कि वो एक अच्छे एक्टर हैं यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2012 में रिलीज़ हो चुकी इश्क ज़ादे के बारे में अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी है तो बेस्ट है आप लोगों ने देखी है वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो आप लोग इसे एक चांस दे सकते हैं मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ ये बार बार देखने लायक है बट हाँ आप लोग इसे एक मरतबा डेफिनेटली देखिएगा ये आप लोगों का चांस डिजर्व करती है आप लोग अगर इसे एक मरतबा देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसे रिकमेंड लाजमी करेंगे तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2012 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर इश्कजादे के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई एंड कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखें तो काइंडली हमारे चैनल को तो लाजमी से सब्सक्राइब कर दे क्योंकि इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा बट हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके चलते हम आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोस और भी लाते रहेंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज़ हो चुकी इश्क ज़्यादा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी के जनर पर कि इस मूवी के जनर में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा या नहीं होगा तो इसमें आप लोगों को एक्शन तो थो हाँ थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा बट बेसिकली ये मूवी जो है वो रोमांटिक मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को रोमांस के साथ साथ यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा एंड लिटरली वो काफ़ी अच्छे अंदाज में प्ले भी किया गया है उसी के साथ हम आगे बढ़े बढ़ेन बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है यह इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम डोरेशन की बात करें तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो है जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जी बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो है यहाँ पर दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट जो कि एक एवरेज सी और डिसेंसी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आईएमडीबी रेटिंग किया है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 6.5 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि हाँ काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी गूगल के यूज़र्स की तरफ से सिक्सटी टू परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे अंदाज़ में यहाँ पर जो है वो सारी की सारी मूवी को प्रजेंट किया है उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टोरी लाइन को यहाँ पर इन्होंने हैंडल किया है बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने प्रेजेंट भी किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की कि, कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी को यहाँ पर अभी हम फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देख सकते हैं और डायरेक्शन को किसने संभाला है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो हैंडल किया है हबीब फैसल ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम सर अंजाम दिया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट की है अगर हम बात करें कि पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिस लाइक इन्होंने दावत इश्क इश्कजादे उसी के साथ साथ कैदी बंद दो दुनी चार बेवकूफिया लेडीज रिकी बहल उसी के साथ साथ बैंड बाजा बारात झूम बराबर झूम आहा कल्याणम कल तारमपम फैन और सलाम नमस्ते जैसी बहुत सारी मूवीज दी हैं और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं अगर मैं इनकी लिस्ट काउंट करने बैठूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी मूवीज दी हैं जिन्हें आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इन्जॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस ज़ाया नहीं जाएगा तो आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक चांस तो दीजिएगा बाकी अगर हम बात करें स्टोरी लाइन की तो स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छे तरीके से दिखाई गई है स्टोरी को आदित्य चोपड़ा ने एंड हबीब फैसल ने संभाला प्रोड्यूसर्स में आदित्य चोपड़ा देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को हेमंत चतुर्वेदी ने हैंडल किया एंड एडिटिंग को आरती बजाज ने संभाला तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली डिजर्व करती तो जी यहाँ पर आप लोगों ने अर्जुन कपूर का नेम तो सुन रखा होगा हाँ अच्छे अल्फाज में नहीं तो बुरे में तो लाजमी सुना होगा ये सुना होगा कि हाँ उन्हें अच्छी एक्टिंग नहीं आती उनकी एक्टिंग स्किल अच्छी नहीं है ये सभी कुछ आप लोगों ने उनके बारे में सुन रखा होगा तो यहाँ पर मैं उनकी एक ऐसी मूवी लेकर आया हूँ जिनमें उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है एंड ये प्रूव किया है कि वो एक अच्छे एक्टर हैं यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2012 में रिलीज़ हो चुकी इश्क ज़्यादे के बारे में अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी है तो बेस्ट है आप लोगों ने देखी है वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो आप लोग इसे एक चांस दे सकते हैं मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ ये बार बार देखने लायक है बट हाँ आप लोग इसे एक मरतबा डेफिनेटली देखिएगा ये आप लोगों का चांस डिजर्व करती है आप लोग अगर इसे एक मरतबा देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसे रिकमेंड लाजमी करेंगे तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2012 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर इश्कजादे के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई एंड कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखें तो काइंडली हमारे चैनल को तो लाजमी से सब्सक्राइब कर दे क्योंकि इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा बट हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके चलते हम आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोस और भी लाते रहेंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज हो चुकी इश्क जादे के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी के जनर पर कि इस मूवी के जनर में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा या नहीं होगा तो इसमें आप लोगों को एक्शन तो थो हाँ थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा बट बेसिकली ये मूवी जो है वो रोमांटिक मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को रोमांस के साथ साथ यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा एंड लिटरली वो काफ़ी अच्छे अंदाज में प्ले भी किया गया है उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें टाइम डोरेन की कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम डोरेशन की बात करें तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो है जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जी बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो है यहाँ पर दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट जो कि एक एवरेज सी और डिसेंसी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आईएमडीबी रेटिंग किया है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो एजी सिक्स पॉइंट आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी गूगल के यूज़र्स की तरफ से सिक्सटी टू परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे अंदाज़ में यहाँ पर जो है वो सारी की सारी मूवी को प्रेजेंट किया है उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टोरी लाइन को यहाँ पर इन्होंने हैंडल किया है बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने प्रजेंट भी किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी को यहाँ पर अभी हम फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देख सकते हैं और डायरेक्शन को किसने संभाला है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो हैंडल किया है हबीब फैसल ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम सर अंजाम दिया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है अगर हम बात करें कि पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिस लाइक इन्होंने दावत इश्क इश्क ज़ादे उसी के साथ साथ कैदी बंद दो दुनी चार बेवकूफियाँ लेडीज वर्सेस रिकी बहल उसी के साथ साथ बैंड बाजा बारात झूम बराबर झूम आहा कल्याणम तार रमपम फैन और सलाम नमस्ते जैसी बहुत सारी मूवीज़ दी हैं और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं अगर मैं इनकी लिस्ट काउंट करने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिन्हें आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस ज़ाया नहीं जाएगा तो आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक चांस तो दीजिएगा बाकी अगर हम बात करें स्टोरी लाइन की तो स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छे तरीके से दिखाई गई है स्टोरी को आदित्य चोपड़ा ने एंड नबी फैसल ने संभाला प्रोड्यूसर्स में आदित्य चोपड़ा देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को हेमंत चतुर्वेदी ने हैंडल किया एंड एडिटिंग को आरती बजाज ने संभाला तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली डिजर्व करती जी यहाँ पर आप लोगों ने अर्जुन कपूर का नेम तो सुन रखा होगा हाँ अच्छे अल्फाज में नहीं तो बुरे में तो लाजमी सुना होगा ये सुना होगा कि हाँ उन्हें अच्छी एक्टिंग नहीं आती उनकी एक्टिंग स्किल अच्छी नहीं है ये सभी कुछ आप लोगों ने उनके बारे में सुन रखा होगा तो यहाँ पर मैं उनकी एक ऐसी मूवी लेकर आया हूँ जिनमें उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है एंड ये प्रूव किया है कि वो एक अच्छे एक्टर हैं यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2012 में रिलीज़ हो चुकी इश्क ज़्यादे के बारे में अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी है तो बेस्ट है आप लोगों ने देखी है वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो आप लोग इसे एक चांस दे सकते हैं मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ ये बार बार देखने लायक है बट हाँ आप लोग इसे एक मरतबा डेफिनेटली देखिएगा ये आप लोगों का चांस डिजर्व करती है आप लोग अगर इसे एक मरतबा देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसे रिकमेंड लाजमी करेंगे तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2012 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर इश्कज़ादे के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई एंड कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखें तो काइंडली हमारे चैनल को तो लाजमी से सब्सक्राइब कर दे क्योंकि इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा बट हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके चलते हम आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोस और भी लाते रहेंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज़ हो चुकी इश्क ज़्यादा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी के जर्नर पर कि इस मूवी के जनरल में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या है? इस मूवी के अंदर हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा या नहीं होगा तो इसमें आप लोगों को एक्शन तो थो हाँ थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा बट बेसिकली ये मूवी जो है वो रोमांटिक मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को रोमांस के साथ साथ यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा एंड लिटरली वो काफ़ी अच्छे अंदाज में प्ले भी किया गया है उसी के साथ हम आगे बढ़े बढ़ेन बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम डोरेशन की बात करें तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो है जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जी बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो है यहाँ पर दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट जो कि एक एवरेज सी और डिसेंसी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आईएमडीबी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी गूगल के यूज़र्स की तरफ से सिक्सटी टू परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे अंदाज़ में यहाँ पर जो है वो सारी की सारी मूवी को प्रेजेंट किया है उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टोरी लाइन को यहाँ पर इन्होंने हैंडल किया है बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने प्रजेंट भी किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी को यहाँ पर अभी हम फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देख सकते हैं और डायरेक्शन को किसने संभाला है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो हैंडल किया है हबीब फैसल ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम सर अंजाम दिया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है अगर हम बात करें कि पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिस लाइक इन्होंने दावत इश्क इश्कजादे उसी के साथ साथ कैदी बंद दो दुनी चार बेवकूफियाँ लेडीज वर्सेस रिकी बहल उसी के साथ साथ बैंड बाजा बारात झूम बराबर झूम आहा कल्याणम तार रमपम फैन और सलाम नमस्ते जैसी बहुत सारी मूवीज़ दी हैं और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं अगर मैं इनकी लिस्ट काउंट करने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिन्हें आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस जाया नहीं जाएगा

तो बुरे में तो लाजमी सुना होगा ये सुना होगा कि हाँ उन्हें अच्छी एक्टिंग नहीं आती उनकी एक्टिंग स्किल अच्छी नहीं है ये सभी कुछ आप लोगों ने उनके बारे में सुन रखा होगा तो यहाँ पर मैं उनकी एक ऐसी मूवी लेकर आया हूँ जिनमें उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है एंड ये प्रूव किया है कि वो एक अच्छे एक्टर हैं यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल दो में रिलीज़ हो चुकी इश्क ज़ादे के बारे में अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी है तो बेस्ट है आप लोगों ने देखी है वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो आप लोग इसे एक चांस दे सकते हैं मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ ये बार बार देखने लायक है बट हाँ आप लोग इसे एक मरतबा डेफिनेटली देखिएगा ये आप लोगों का चांस डिजर्व करती है आप लोग अगर इसे एक मरतबा देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसे रिकमेंड लाजमी करेंगे तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2012 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर इश्कज़ादे के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई एंड कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखें तो काइंडली हमारे चैनल को तो लाजमी से सब्सक्राइब कर दे क्योंकि इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा बट हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके चलते हम आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोज़ और भी लाते रहेंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज़ हो चुकी इश्क जादे के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी के जनर पर कि इस मूवी के जनर में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा या नहीं होगा तो इसमें आप लोगों को एक्शन तो थो हाँ थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा बट बेसिकली ये मूवी जो है वो रोमांटिक मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को रोमांस के साथ साथ यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा एंड लिटरली वो काफ़ी अच्छे अंदाज़ में प्ले भी किया गया है उसी के साथ हम आगे बढ़े बढ़ेन बात करें टाइम ड्यूरेशन की कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जी बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो है यहाँ पर दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट जो कि एक एवरेज सी और डिसेंसी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आईएमडीबी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी गूगल के यूज़र्स की तरफ से सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे अंदाज़ में यहाँ पर जो है वो सारी की सारी मूवी को प्रेजेंट किया है उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टोरी लाइन को यहाँ पर इन्होंने हैंडल किया है बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने प्रजेंट भी किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी को यहाँ पर अभी हम फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देख सकते हैं और डायरेक्शन को किसने संभाला है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो हैंडल किया है हबीब फैसल ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम सर अंजाम दिया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है अगर हम बात करें कि पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिस लाइक इन्होंने दावत इश्क इश्क ज़ादे उसी के साथ साथ कैदी बंद दो दुनी चार बेवकूफियां लेडीज वर्सेस रिकी बहल उसी के साथ साथ बैंड बाजा बारात झूम बराबर झूम आहा कल्याणम तार रम फैन और सलाम नमस्ते जैसी बहुत सारी मूवीज़ दी हैं और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं अगर मैं इनकी लिस्ट काउंट करने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिन्हें आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस ज़ाया नहीं जाएगा तो आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक चांस तो दीजिएगा बाकी अगर हम बात करें स्टोरी लाइन की तो स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छे तरीके से दिखाई गई है स्टोरी को आदित्य चोपड़ा ने एंड हबीब फैसल ने संभाला प्रोड्यूसर्स में आदित्य चोपड़ा देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को हेमंत चतुर्वेदी ने हैंडल किया एंड एडिटिंग को आरती बजाज ने संभाला तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली डिजर्व कर वेल तो जी यहाँ पर आप लोगों ने अर्जुन कपूर का नेम तो सुन रखा होगा हाँ अच्छे अल्फाज में नहीं तो बुरे में तो लाजमी सुना होगा ये सुना होगा कि हाँ उन्हें अच्छी एक्टिंग नहीं आती उनकी एक्टिंग स्किल अच्छी नहीं है ये सभी कुछ आप लोगों ने उनके बारे में सुन रखा होगा तो यहाँ पर मैं उनकी एक ऐसी मूवी लेकर आया हूँ जिनमें उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है एंड ये प्रूव किया है कि वो एक अच्छे एक्टर हैं यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2012 में रिलीज़ हो चुकी इश्क ज़ादे के बारे में अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी है तो बेस्ट है आप लोगों ने देखी है वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो आप लोग इसे एक चांस दे सकते हैं मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ ये बार बार देखने लायक है बट हाँ आप लोग इसे एक मरतबा डेफिनेटली देखिएगा ये आप लोगों का चांस डिजर्व करती है आप लोग अगर इसे एक मरतबा देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसे रिकमेंड लाजमी करेंगे तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2012 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर इश्कज़ादे के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई एंड कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखें तो काइंडली हमारे चैनल को तो लाजमी से सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा बट हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके चलते हम आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोस और भी लाते रहेंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज़ हो चुकी इश्क ज़्यादा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी के जनरल पर कि इस मूवी के जनरल में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा या नहीं होगा तो इसमें आप लोगों को एक्शन तो थो हाँ थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा बट बेसिकली ये मूवी जो है वो रोमांटिक मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को रोमांस के साथ साथ यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा एंड लिटरली वो काफ़ी अच्छे अंदाज़ में प्ले भी किया गया है उसी के साथ हम आगे बढ़े बढ़ेन बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम डोरेशन की बात करें तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो है जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जी बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो है यहाँ पर दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट जो कि एक एवरेज सी और डिसेंसी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आईएमडीबी बी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 6.5 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि हाँ काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी गूगल के यूज़र्स की तरफ से सिक्सटी टू परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे अंदाज़ में यहाँ पर जो है वो सारी की सारी मूवी को प्रजेंट किया है उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टोरी लाइन को यहाँ पर इन्होंने हैंडल किया है बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने प्रेजेंट भी किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी को यहाँ पर अभी हम फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देख सकते हैं और डायरेक्शन को किसने संभाला है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो हैंडल किया है हबीब फैसल ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम सर अंजाम दिया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है अगर हम बात करें कि पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिस लाइक इन्होंने दावत इश्क इश्क जादे उसी के साथ साथ कैदी बंद दो दुनी चार बेवकूफियां लेडीज वर्सेस रिकी बहल उसी के साथ साथ बैंड बाजा बारात झूम बराबर झूम आहा कल्याणम तारमपम फैन और सलाम नमस्ते जैसी बहुत सारी मूवीज दी हैं और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं अगर मैं इनकी लिस्ट काउंट करने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिन्हें आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी एमेजॉन प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस जाया नहीं जाएगा तो आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक चांस तो दीजिएगा बाकी अगर हम बात करें स्टोरी लाइन की तो स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छे तरीके से दिखाई गई है स्टोरी को आदित्य चोपड़ा ने एंड एनीब फैसल ने संभाला प्रोड्यूसर्स में आदित्य चोपड़ा देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को हेमंत चतुर्वेदी ने हैंडल किया एंड एडिटिंग को आरती बजाज ने संभाला तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली डिजर्व करती तो जी यहाँ पर आप लोगों ने अर्जुन कपूर का नेम तो सुन रखा होगा हाँ अच्छे अल्फाज में नहीं तो बुरे में तो लाजमी सुना होगा ये सुना होगा कि हाँ उन्हें अच्छी एक्टिंग नहीं आती उनकी एक्टिंग स्किल अच्छी नहीं है ये सभी कुछ आप लोगों ने उनके बारे में सुन रखा होगा तो यहाँ पर मैं उनकी एक ऐसी मूवी लेकर आया हूँ जिनमें उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है एंड ये प्रूव किया है कि वो एक अच्छे एक्टर हैं यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2012 में रिलीज़ हो चुकी इश्क ज़्यादे के बारे में अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी है तो बेस्ट है आप लोगों ने देखी है वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो आप लोग इसे एक चांस दे सकते हैं मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ ये बार बार देखने लायक है बट हाँ आप लोग इसे एक मरतबा डेफिनेटली देखिएगा ये आप लोगों का चांस डिजर्व करती है आप लोग अगर इसे एक मरतबा देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसे रिकमेंड लाजमी करेंगे तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2012 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर इश्कजादे के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई एंड कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखें तो काइंडली हमारे चैनल को तो लाजमी से सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा बट हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके चलते हम आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस और भी लाते रहेंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज हो चुकी इश्क जादे के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी के जनर पर कि इस मूवी के जनर में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा या नहीं होगा तो इसमें आप लोगों को एक्शन तो हाँ थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा बट बेसिकली ये मूवी जो है वो रोमांटिक मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को रोमांस के साथ साथ यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा एंड लिटरली वो काफ़ी अच्छे अंदाज में प्ले भी किया गया है उसी के साथ हम आगे बढ़े बढ़ेन बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम डोरेशन की बात करें तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो है जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जी बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो है यहाँ पर दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट जो कि एक एवरेज सी और डिसेंसी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आईएमडीबी रेटिंग किया है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी गूगल के यूज़र्स की तरफ से सिक्सटी टू परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे अंदाज़ में यहाँ पर जो है वो सारी की सारी मूवी को प्रजेंट किया है उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टोरी लाइन को यहाँ पर इन्होंने हैंडल किया है बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने प्रेजेंट भी किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी को यहाँ पर अभी हम फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देख सकते हैं और डायरेक्शन को किसने संभाला है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो हैंडल किया है हबीब फैसल ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम सर अंजाम दिया है आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है अगर हम बात करें कि पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिस लाइक इन्होंने दावत इश्क इश्क ज़ादे उसी के साथ साथ कैदी बंद दो दुनी चार बेवकूफियाँ लेडीज वर्सेस रिकी बहल उसी के साथ साथ बैंड बाजा बारात झूम बराबर झूम आहा कल्याणम तार रमपम फैन और सलाम नमस्ते जैसी बहुत सारी मूवीज दी हैं और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं अगर मैं इनकी लिस्ट काउंट करने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिन्हें आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस ज़ाया नहीं जाएगा

हाँ अच्छे अल्फाज में नहीं तो बुरे में तो लाजमी सुना होगा ये सुना होगा कि हाँ उन्हें अच्छी एक्टिंग नहीं आती उनकी एक्टिंग स्किल अच्छी नहीं है ये सभी कुछ आप लोगों ने उनके बारे में सुन रखा होगा तो यहाँ पर मैं उनकी एक ऐसी मूवी लेकर आया हूँ जिनमें उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है एंड ये प्रूव किया है कि वो एक अच्छे एक्टर हैं यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2012 में रिलीज़ हो चुकी इश्क ज़्यादे के बारे में अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी है तो बेस्ट है आप लोगों ने देखी है वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो आप लोग इसे एक चांस दे सकते हैं मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ ये बार बार देखने लायक है बट हाँ आप लोग इसे एक मरतबा डेफिनेटली देखिएगा ये आप लोगों का चांस डिजर्व करती है आप लोग अगर इसे एक मरतबा देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसे रिकमेंड लाजमी करेंगे तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2012 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर इश्कजादे के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई एंड कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखें तो काइंडली हमारे चैनल को तो लाजमी से सब्सक्राइब कर दे क्योंकि इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा बट हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके चलते हम आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोस और भी लाते रहेंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज हो चुकी इश्क जादे के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी के जनर पर कि इस मूवी के जनर में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा या नहीं होगा तो इसमें आप लोगों को एक्शन तो थो हाँ थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा बट बेसिकली ये मूवी जो है वो रोमांटिक मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को रोमांस के साथ साथ यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा एंड लिटरली वो काफ़ी अच्छे अंदाज में प्ले भी किया गया है उसी के साथ हम आगे बढ़े बढ़ेन बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम डोरेशन की बात करें तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो है जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जी बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो है यहाँ पर दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट जो कि एक एवरेज सी और डिसेंसी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आईएमडीबी रेटिंग किया है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी गूगल के यूज़र्स की तरफ से सिक्सटी टू परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे अंदाज़ में यहाँ पर जो है वो सारी की सारी मूवी को प्रेजेंट किया है उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टोरी लाइन को यहाँ पर इन्होंने हैंडल किया है बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने प्रजेंट भी किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी को यहाँ पर अभी हम फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देख सकते हैं और डायरेक्शन को किसने संभाला है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो हैंडल किया है हबीब फैसल ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम सर अंजाम दिया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट की है अगर हम बात करें कि पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिस लाइक इन्होंने दावत इश्क इश्कजादे उसी के साथ साथ कैदी बंद दो दुनी चार बेवकूफियां लेडीज वर्सेस रिकी बहल उसी के साथ साथ बैंड बाजा बारात झूम बराबर झूम आहा कल्याणम तार रमपम फैन और सलाम नमस्ते जैसी बहुत सारी मूवीज दी हैं और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं अगर मैं इनकी लिस्ट काउंट करने बैठूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिन्हें आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी अमेज़ोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस ज़ाया नहीं जाएगा तो आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक चांस तो दीजिएगा बाकी अगर हम बात करें स्टोरी लाइन की तो स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छे तरीके से दिखाई गई है स्टोरी को आदित्य चोपड़ा ने एंड हबीब फैसल ने संभाला प्रोड्यूसर्स में आदित्य चोपड़ा देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को हेमंत चतुर्वेदी ने हैंडल किया एंड एडिटिंग को आरती बजाज ने संभाला तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली डिजर्व करती है तो जी यहाँ पर आप लोगों ने अर्जुन कपूर का नेम तो सुन रखा होगा हाँ अच्छे अल्फाज में नहीं तो बुरे में तो लाजमी सुना होगा ये सुना होगा कि हाँ उन्हें अच्छी एक्टिंग नहीं आती उनकी एक्टिंग स्किल अच्छी नहीं है ये सभी कुछ आप लोगों ने उनके बारे में सुन रखा होगा तो यहाँ पर मैं उनकी एक ऐसी मूवी लेकर आया हूँ जिनमें उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है एंड ये प्रूव किया है कि वो एक अच्छे एक्टर हैं यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2012 में रिलीज़ हो चुकी इश्क ज़ादे के बारे में अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी है तो बेस्ट है आप लोगों ने देखी है वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो आप लोग इसे एक चांस दे सकते हैं मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ ये बार बार देखने लायक है बट हाँ आप लोग इसे एक मरतबा डेफिनेटली देखिएगा ये आप लोगों का चांस डिजर्व करती है आप लोग अगर इसे एक मरतबा देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसे रिकमेंड लाजमी करेंगे तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2012 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर इश्क जादे के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई एंड कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखें तो काइंडली हमारे चैनल को तो लाजमी से सब्सक्राइब कर दे क्योंकि इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा बट हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके चलते हम आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोज़ और भी लाते रहेंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज़ हो चुकी इश्क ज्यादा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी के जनरल पर कि इस मूवी के जनरल में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा या नहीं होगा तो इसमें आप लोगों को एक्शन तो थो हाँ थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा बट बेसिकली ये मूवी जो है वो रोमांटिक मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को रोमांस के साथ साथ यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा एंड लिटरली वो काफ़ी अच्छे अंदाज़ में प्ले भी किया गया है उसी के साथ हम आगे बढ़े बढ़ेन बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम डोरेशन की बात करें तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो है जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जी बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो है यहाँ पर दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट जो कि एक एवरेज सी और डिसेंसी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आईएमडीबी रेटिंग किया है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 6.5 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि हाँ काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी गूगल के यूज़र्स की तरफ से सिक्सटी टू परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे अंदाज़ में यहाँ पर जो है वो सारी की सारी मूवी को प्रेजेंट किया है उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टोरी लाइन को यहाँ पर इन्होंने हैंडल किया है बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने प्रजेंट भी किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी को यहाँ पर अभी हम फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देख सकते हैं और डायरेक्शन को किसने संभाला है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो हैंडल किया है हबीब फैसल ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम सर अंजाम दिया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है अगर हम बात करें कि पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिस लाइक इन्होंने दावत इश्क इश्क ज़ादे उसी के साथ साथ कैदी बंद दो दुनी चार बेवकूफियाँ लेडीज वर्सेस रिकी बहल उसी के साथ साथ बैंड बाजा बारात झूम बराबर झूम आहा कल्याणम तार रमपम फैन और सलाम नमस्ते जैसी बहुत सारी मूवीज़ दी हैं और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं अगर मैं इनकी लिस्ट काउंट करने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिन्हें आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस ज़ाया नहीं जाएगा

तो बुरे में तो लाजमी सुना होगा ये सुना होगा कि हाँ उन्हें अच्छी एक्टिंग नहीं आती उनकी एक्टिंग स्किल अच्छी नहीं है ये सभी कुछ आप लोगों ने उनके बारे में सुन रखा होगा तो यहाँ पर मैं उनकी एक ऐसी मूवी लेकर आया हूँ जिनमें उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है एंड ये प्रूव किया है कि वो एक अच्छे एक्टर हैं यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2012 में रिलीज़ हो चुकी इश्क के बारे में अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी है तो बेस्ट है आप लोगों ने देखी है वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो आप लोग इसे एक चांस दे सकते हैं मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ ये बार बार देखने लायक है बट हाँ आप लोग इसे एक मरतबा डेफिनेटली देखिएगा ये आप लोगों का चांस डिजर्व करती है आप लोग अगर इसे एक मरतबा देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसे रिकमेंड लाजमी करेंगे तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2012 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर इश्कज़ादे के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई एंड कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखें तो काइंडली हमारे चैनल को तो लाजमी से सब्सक्राइब कर दे क्योंकि इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा बट हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके चलते हम आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोस और भी लाते रहेंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज़ हो चुकी इश्क ज़्यादे के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी के जनरल पर कि इस मूवी के जनरल में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा या नहीं होगा तो इसमें आप लोगों को एक्शन तो थो हाँ थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा बट बेसिकली ये मूवी जो है वो रोमांटिक मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को रोमांस के साथ साथ यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा एंड लिटरली वो काफ़ी अच्छे अंदाज़ में प्ले भी किया गया है उसी के साथ हम आगे बढ़े बढ़ेन बात करें टाइम ड्यूरेशन की कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जी बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो है यहाँ पर दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट जो कि एक एवरेज सी और डिसेंसी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आईएमडीबी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 6.5 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी गूगल के यूज़र्स की तरफ से सिक्सटी टू परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे अंदाज़ में यहाँ पर जो है वो सारी की सारी मूवी को प्रेजेंट किया है उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टोरी लाइन को यहाँ पर इन्होंने हैंडल किया है बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने प्रजेंट भी किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी को यहाँ पर अभी हम फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देख सकते हैं और डायरेक्शन को किसने संभाला है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो हैंडल किया है हबीब फैसल ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम सर अंजाम दिया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है अगर हम बात करें कि पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जस्ट लाइक इन्होंने दावत इश्क इश्क ज़ादे उसी के साथ साथ कैदी बंद दो दुनी चार बेवकूफियाँ लेडीज वर्सेस की बहल उसी के साथ साथ बैंड बाजा बारात झूम बराबर झूम आहा कल्याणम तारा रंपम फ़ैन और सलाम नमस्ते जैसी बहुत सारी मूवीज़ दी हैं और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं अगर मैं इनकी लिस्ट काउंट करने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिन्हें आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस ज़ाया नहीं जाएगा तो आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक चांस तो दीजिएगा बाकी अगर हम बात करें स्टोरी लाइन की तो स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छे तरीके से दिखाई गई है स्टोरी को आदित्य चोपड़ा ने एंड हबीब फैसल ने संभाला प्रोड्यूसर्स में आदित्य चोपड़ा देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को हेमंत चतुर्वेदी ने हैंडल किया एंड एडिटिंग को आरती बजाज ने संभाला तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली डिजर्व करती वेल तो जी यहाँ पर आप लोगों ने अर्जुन कपूर का नेम तो सुन रखा होगा हाँ अच्छे अल्फाज में नहीं तो बुरे में तो लाजमी सुना होगा ये सुना होगा कि हाँ उन्हें अच्छी एक्टिंग नहीं आती उनकी एक्टिंग स्किल अच्छी नहीं है ये सभी कुछ आप लोगों ने उनके बारे में सुन रखा होगा तो यहाँ पर मैं उनकी एक ऐसी मूवी लेकर आया हूँ जिनमें उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है एंड ये प्रूव किया है कि वो एक अच्छे एक्टर हैं यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2012 में रिलीज़ हो चुकी इश्क ज़ादे के बारे में अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी है तो बेस्ट है आप लोगों ने देखी है वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो आप लोग इसे एक चांस दे सकते हैं मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ ये बार बार देखने लायक है बट हाँ आप लोग इसे एक मरतबा डेफिनेटली देखिएगा ये आप लोगों का चांस डिजर्व करती है आप लोग अगर इसे एक मरतबा देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसे रिकमेंड लाजमी करेंगे तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2012 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर इश्कजादे के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई एंड कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखें तो काइंडली हमारे चैनल को तो लाजमी से सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा बट हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके चलते हम आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस और भी लाते रहेंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज़ हो चुकी इश्क ज़्यादा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी के जनर पर कि इस मूवी के जनर में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या है? इस मूवी के अंदर हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा या नहीं होगा तो इसमें आप लोगों को एक्शन तो थो हाँ थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा बट बेसिकली ये मूवी जो है वो रोमांटिक मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को रोमांस के साथ साथ यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा एंड लिटरली वो काफ़ी अच्छे अंदाज में प्ले भी किया गया है उसी के साथ हम आगे बढ़े बढ़ेन बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम डोरेशन की बात करें तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो है जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जी बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो है यहाँ पर दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट जो कि एक एवरेज सी और डिसेंसी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आईएमडीबी रेटिंग किया है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी सिक्स पॉइंट फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि हाँ काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी गूगल के यूज़र्स की तरफ से सिक्सटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे अंदाज़ में यहाँ पर जो है वो सारी की सारी मूवी को प्रजेंट किया है उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टोरी लाइन को यहाँ पर इन्होंने हैंडल किया है बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने प्रेजेंट भी किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी को यहाँ पर अभी हम फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देख सकते हैं और डायरेक्शन को किसने संभाला है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो हैंडल किया है हबीब फैसल ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम सर दिया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट की है अगर हम बात करें कि पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिस लाइक इन्होंने दावत इश्क इश्क ज़ादे उसी के साथ साथ कैदी बंद दो दुनी चार बेवकूफियाँ लेडीज वर्सेस रिकी बहल उसी के साथ साथ बैंड बाजा बारात झूम बराबर झूम आहा कल्याणम तार रमपम फैन और सलाम नमस्ते जैसी बहुत सारी मूवीज़ दी हैं और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं अगर मैं इनकी लिस्ट काउंट करने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिन्हें आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी एमेजॉन प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस जाया नहीं जाएगा तो आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक चांस तो दीजिएगा बाकी अगर हम बात करें स्टोरी लाइन की तो स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छे तरीके से दिखाई गई है स्टोरी को आदित्य चोपड़ा ने एंड नबी फैसल ने संभाला प्रोड्यूसर्स में आदित्य चोपड़ा देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को हेमंत चतुर्वेदी ने हैंडल किया एंड एडिटिंग को आरती बजाज ने संभाला तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली डिजर्व करती गलत जी यहाँ पर आप लोगों ने अर्जुन कपूर का नेम तो सुन रखा होगा हाँ अच्छे अल्फाज में नहीं तो बुरे में तो लाजमी सुना होगा ये सुना होगा कि हाँ उन्हें अच्छी एक्टिंग नहीं आती उनकी एक्टिंग स्किल अच्छी नहीं है ये सभी कुछ आप लोगों ने उनके बारे में सुन रखा होगा तो यहाँ पर मैं उनकी एक ऐसी मूवी लेकर आया हूँ जिनमें उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है एंड ये प्रूव किया है कि वो एक अच्छे एक्टर हैं यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2012 में रिलीज़ हो चुकी इश्क ज़्यादे के बारे में अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी है तो बेस्ट है आप लोगों ने देखी है वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो आप लोग इसे एक चांस दे सकते हैं मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ ये बार बार देखने लायक है बट हाँ आप लोग इसे एक मरतबा डेफिनेटली देखिएगा ये आप लोगों का चांस डिजर्व करती है आप लोग अगर इसे एक मरतबा देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसे रिकमेंड लाजमी करेंगे तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2012 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर इश्कजादे के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई एंड कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखें तो काइंडली हमारे चैनल को तो लाजमी से सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा बट हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके चलते हम आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस और भी लाते रहेंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज हो चुकी इश्क जादे के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी के जनर पर कि इस मूवी के जनर में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या है? इस मूवी के अंदर हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा या नहीं होगा तो इसमें आप लोगों को एक्शन तो थो हाँ थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा बट बेसिकली ये मूवी जो है वो रोमांटिक मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को रोमांस के साथ साथ यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा एंड लिटरली वो काफ़ी अच्छे अंदाज में प्ले भी किया गया है उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम डोरेशन की बात करें तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो है जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जी बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो है यहाँ पर दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट जो कि एक एवरेज सी और डिसेंसी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आईएमडीबी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो एजी सिक्स पॉइंट आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी गूगल के यूज़र्स की तरफ से सिक्सटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे अंदाज़ में यहाँ पर जो है वो सारी की सारी मूवी को प्रेजेंट किया है उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टोरी लाइन को यहाँ पर इन्होंने हैंडल किया है बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने प्रजेंट भी किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी को यहाँ पर अभी हम फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देख सकते हैं और डायरेक्शन को किसने संभाला है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो हैंडल किया है हबीब फैसल ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम सर अंजाम दिया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट की है अगर हम बात करें कि पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिस लाइक इन्होंने दावत इश्क इश्क ज़ादे उसी के साथ साथ कैदी बंद दो दुनी चार बेवकूफियाँ लेडीज वर्सेस रिकी बहल उसी के साथ साथ बैंड बाजा बारात झूम बराबर झूम आहा कल्याणम तार रमपम फैन और सलाम नमस्ते जैसी बहुत सारी मूवीज़ दी हैं और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं अगर मैं इनकी लिस्ट काउंट करने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिन्हें आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस ज़ाया नहीं जाएगा तो आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक चांस तो दीजिएगा बाकी अगर हम बात करें स्टोरी लाइन की तो स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छे तरीके से दिखाई गई है स्टोरी को आदित्य चोपड़ा ने एंड हबीब फैसल ने संभाला प्रोड्यूसर्स में आदित्य चोपड़ा देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को हेमंत चतुर्वेदी ने हैंडल किया एंड एडिटिंग को आरती बजाज ने संभाला तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली डिजर्व करती तो जी यहाँ पर आप लोगों ने अर्जुन कपूर का नेम तो सुन रखा होगा हाँ अच्छे अल्फाज में नहीं तो बुरे में तो लाजमी सुना होगा ये सुना होगा कि हाँ उन्हें अच्छी एक्टिंग नहीं आती उनकी एक्टिंग स्किल अच्छी नहीं है ये सभी कुछ आप लोगों ने उनके बारे में सुन रखा होगा तो यहाँ पर मैं उनकी एक ऐसी मूवी लेकर आया हूँ जिनमें उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है एंड ये प्रूव किया है कि वो एक अच्छे एक्टर हैं यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2012 में रिलीज़ हो चुकी इश्क ज़्यादे के बारे में अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी है तो बेस्ट है आप लोगों ने देखी है वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो आप लोग इसे एक चांस दे सकते हैं मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ ये बार बार देखने लायक है बट हाँ आप लोग इसे एक मरतबा डेफिनेटली देखिएगा ये आप लोगों का चांस डिजर्व करती है आप लोग अगर इसे एक मरतबा देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसे रिकमेंड लाजमी करेंगे तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2012 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर इश्कज़ादे के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई एंड कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखें तो काइंडली हमारे चैनल को तो लाजमी से सब्सक्राइब कर दे क्योंकि इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा बट हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके चलते हम आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोज और भी लाते रहेंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज़ हो चुकी इश्क ज़्यादा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी के जनर पर कि इस मूवी के जनर में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा या नहीं होगा तो इसमें आप लोगों को एक्शन तो थो हाँ थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा बट बेसिकली ये मूवी जो है वो रोमांटिक मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को रोमांस के साथ साथ यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा एंड लिटरली वो काफ़ी अच्छे अंदाज में प्ले भी किया गया है उसी के साथ हम आगे बढ़े बढ़ेन बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम डोरेशन की बात करें तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो है जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जी बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो है यहाँ पर दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट जो कि एक एवरेज सी और डिसेंसी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आईएमडीबी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी गूगल के यूज़र्स की तरफ से सिक्सटी टू परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे अंदाज़ में यहाँ पर जो है वो सारी की सारी मूवी को प्रेजेंट किया है उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टोरी लाइन को यहाँ पर इन्होंने हैंडल किया है बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने प्रेजेंट भी किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी को यहाँ पर अभी हम फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देख सकते हैं और डायरेक्शन को किसने संभाला है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो हैंडल किया है हबीब फैसल ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम सर अंजाम दिया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है अगर हम बात करें कि पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जस्ट लाइक इन्होंने दावत इश्क इश्कजादे उसी के साथ साथ कैदी बंद दो दुनी चार बेवकूफियाँ लेडीज वर्सेस रिकी पहल उसी के साथ साथ बैंड बाजा बारात झूम बराबर झूम आहा कल्याणम तार रमपम फैन और सलाम नमस्ते जैसी बहुत सारी मूवीज़ दी हैं और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं अगर मैं इनकी लिस्ट काउंट करने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिन्हें आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फ़ाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी अमेज़ोन प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस ज़ाया नहीं जाएगा तो आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक चांस तो दीजिएगा बाकी अगर हम बात करें स्टोरी लाइन की तो स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छे तरीके से दिखाई गई है स्टोरी को आदित्य चोपड़ा ने एंड हबीब फैसल ने संभाला प्रोड्यूसर्स में आदित्य चोपड़ा देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को हेमंत चतुर्वेदी ने हैंडल किया एंड एडिटिंग को आरती बजाज ने संभाला तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली डिजर्व करती वेल तो जी यहाँ पर आप लोगों ने अर्जुन कपूर का नेम तो सुन रखा होगा हाँ अच्छे अल्फाज में नहीं तो बुरे में तो लाजमी सुना होगा ये सुना होगा कि हाँ उन्हें अच्छी एक्टिंग नहीं आती उनकी एक्टिंग स्किल अच्छी नहीं है ये सभी कुछ आप लोगों ने उनके बारे में सुन रखा होगा तो यहाँ पर मैं उनकी एक ऐसी मूवी लेकर आया हूँ जिनमें उन्होंने अपने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है एंड ये प्रूव किया है कि वो एक अच्छे एक्टर हैं यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2012 में रिलीज़ हो चुकी इश्क ज़्यादे के बारे में अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी है तो बेस्ट है आप लोगों ने देखी है वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो आप लोग इसे एक चांस दे सकते हैं मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ ये बार बार देखने लायक है बट हाँ आप लोग इसे एक मरतबा डेफिनेटली देखिएगा ये आप लोगों का चांस डिजर्व करती है आप लोग अगर इसे एक मरतबा देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसे रिकमेंड लाजमी करेंगे तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2012 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर इश्कज़ादे के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई एंड कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखें तो काइंडली हमारे चैनल को तो लाजमी से सब्सक्राइब कर दे क्योंकि इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा बट हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके चलते हम आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोज़ और भी लाते रहेंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो हज़ार बारह में रिलीज़ हो चुकी इश्क ज़ादे के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी के जनर पर कि इस मूवी के जनर में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा या नहीं होगा तो इसमें आप लोगों को एक्शन तो थो हाँ थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा बट बेसिकली ये मूवी जो है वो रोमांटिक मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को रोमांस के साथ साथ यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा एंड लिटरली वो काफ़ी अच्छे अंदाज़ में प्ले भी किया गया है उसी के साथ हम आगे बढ़े बढ़ेन बात करें टाइम ड्यूरेशन की कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जी बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो है यहाँ पर दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट जो कि एक एवरेज सी और डिसेंसी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आईएमडीबी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी गूगल के यूज़र्स की तरफ से सिक्सटी टू परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे अंदाज़ में यहाँ पर जो है वो सारी की सारी मूवी को प्रेजेंट किया है उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टोरी लाइन को यहाँ पर इन्होंने हैंडल किया है बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने प्रेजेंट भी किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी को यहाँ पर अभी हम फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देख सकते हैं और डायरेक्शन को किसने संभाला है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो हैंडल किया है हबीब फैसल ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम सर अंजाम दिया है आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है अगर हम बात करें कि पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिस लाइक इन्होंने दावत इश्क इश्कज़ादे उसी के साथ साथ कैदी बंद दो दुनी चार बेवकूफियाँ लेडीज वर्सेस रिकी बहल उसी के साथ साथ बैंड बाजा बारात झूम बराबर झूम आहा कल्याणम तार रम फैन और सलाम नमस्ते जैसी बहुत सारी मूवीज़ दी हैं और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं अगर मैं इनकी लिस्ट काउंट करने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिन्हें आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस

गल तो जी यहाँ पर आप लोगों ने अर्जुन कपूर का, का नेम तो सुन रखा होगा हाँ अच्छे अल्फाज में नहीं तो बुरे में तो लाजमी सुना होगा ये सुना होगा कि हाँ उन्हें अच्छी एक्टिंग नहीं आती उनकी एक्टिंग स्किल अच्छी नहीं है ये सभी कुछ आप लोगों ने उनके बारे में सुन रखा होगा तो यहाँ पर मैं उनकी एक ऐसी मूवी लेकर आया हूँ जिनमें उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है एंड ये प्रूव किया है कि वो एक अच्छे एक्टर हैं यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2012 में रिलीज़ हो चुकी इश्क ज़्यादे के बारे में अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी है तो बेस्ट है आप लोगों ने देखी है वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो आप लोग इसे एक चांस दे सकते हैं मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ ये बार बार देखने लायक है बट हाँ आप लोग इसे एक मरतबा डेफिनेटली देखिएगा ये आप लोगों का चांस डिज़र्व करती है आप लोग अगर इसे एक मरतबा देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसे रिकमेंड लाजमी करेंगे तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2012 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर इश्कज़ादे के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई एंड कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखें तो काइंडली हमारे चैनल को तो लाजमी से सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा बट हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके चलते हम आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोस और भी लाते रहेंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर 2012 में रिलीज़ हो चुकी इश्क ज़्यादा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी के जनर पर कि इस मूवी के जनर में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा या नहीं होगा तो इसमें आप लोगों को एक्शन तो हाँ थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा बट बेसिकली ये मूवी जो है वो रोमांटिक मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को रोमांस के साथ साथ यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा एंड लिटरली वो काफ़ी अच्छे अंदाज़ में प्ले भी किया गया है उसी के साथ हम आगे बढ़े बढ़ेन बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है यहाँ इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम डोरेशन की बात करें तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो है जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जी बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो है यहाँ पर दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट जो कि एक एवरेज सी और डिसेंसी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आईएमडीबी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 6.5 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि हाँ काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी गूगल के यूज़र्स की तरफ से सिक्सटी टू परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे अंदाज़ में यहाँ पर जो है वो सारी की सारी मूवी को प्रजेंट किया है उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टोरी लाइन को यहाँ पर इन्होंने हैंडल किया है बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने प्रेजेंट भी किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी को यहाँ पर अभी हम फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देख सकते हैं और डायरेक्शन को किसने संभाला है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो हैंडल किया है हबीब फैसल ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम सर अंजाम दिया है आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है अगर हम बात करें कि पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिस लाइक इन्होंने दावत इश्क इश्क जादे उसी के साथ साथ कैदी बंद दो दुनी चार बेवकूफियां लेडीज वर्सेस की बहल उसी के साथ साथ बैंड बाजा बारात झूम बराबर झूम आहा कल्याणम तारा रंपम फ़ैन और सलाम नमस्ते जैसी बहुत सारी मूवीज़ दी हैं और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं अगर मैं इनकी लिस्ट काउंट करने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिन्हें आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस ज़ाया नहीं जाएगा तो आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक चांस तो दीजिएगा बाकी अगर हम बात करें स्टोरी लाइन की तो स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छे तरीके से दिखाई गई है स्टोरी को आदित्य चोपड़ा ने एंड हबीब फैसल ने संभाला प्रोड्यूसर्स में आदित्य चोपड़ा देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को हेमंत चतुर्वेदी ने हैंडल किया एंड एडिटिंग को आरती बजाज ने संभाला तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली डिजर्व करती तो जी यहाँ पर आप लोगों ने अर्जुन कपूर का नेम तो सुन रखा होगा हाँ अच्छे अल्फाज में नहीं तो बुरे में तो लाजमी सुना होगा ये सुना होगा कि हाँ उन्हें अच्छी एक्टिंग नहीं आती उनकी एक्टिंग स्किल अच्छी नहीं है ये सभी कुछ आप लोगों ने उनके बारे में सुन रखा होगा तो यहाँ पर मैं उनकी एक ऐसी मूवी लेकर आया हूँ जिनमें उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है एंड ये प्रूव किया है कि वो एक अच्छे एक्टर हैं यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2012 में रिलीज़ हो चुकी इश्क ज़्यादे के बारे में अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी है तो बेस्ट है आप लोगों ने देखी है वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो आप लोग इसे एक चांस दे सकते हैं मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ ये बार बार देखने लायक है बट हाँ आप लोग इसे एक मरतबा डेफिनेटली देखिएगा ये आप लोगों का चांस डिजर्व करती है आप लोग अगर इसे एक मरतबा देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसे रिकमेंड लाजमी करेंगे तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2012 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर इश्कजादे के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई एंड कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखें तो काइंडली हमारे चैनल को तो लाजमी से सब्सक्राइब कर दे क्योंकि इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा बट हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके चलते हम आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस और भी लाते रहेंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज हो चुकी इश्क जादे के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी के जनरल पर कि इस मूवी के जेनल में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा या नहीं होगा तो इसमें आप लोगों को एक्शन तो थो हाँ थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा बट बेसिकली ये मूवी जो है वो रोमांटिक मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को रोमांस के साथ साथ यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा एंड लिटरली वो काफ़ी अच्छे अंदाज में प्ले भी किया गया है उसी के साथ हम आगे बढ़े बढ़ेन बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम डोरेशन की बात करें तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो है जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जी बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो है यहाँ पर दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट जो कि एक एवरेज सी और डिसेंसी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आईएमडीबी रेटिंग किया है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो एजी सिक्स पॉइंट आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी गूगल के यूज़र्स की तरफ से सिक्सटी टू परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे अंदाज़ में यहाँ पर जो है वो सारी की सारी मूवी को प्रजेंट किया है उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टोरी लाइन को यहाँ पर इन्होंने हैंडल किया है बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने प्रेजेंट भी किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी को यहाँ पर अभी हम फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देख सकते हैं और डायरेक्शन को किसने संभाला है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो हैंडल किया है हबीब फैसल ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम सर अंजाम दिया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है अगर हम बात करें कि पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जस्ट लाइक इन्होंने दावत इश्क इश्क़ इश्कजादे उसी के साथ साथ कैदी बंद दो दुनी चार बेवकूफियां लेडीज रे रिकी बहल उसी के साथ साथ बैंड बाजा बारात जूम बराबर जूम आहा कल्याणम रंपम फैन और सलाम नमस्ते जैसी बहुत सारी मूवीज़ दी हैं और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं अगर मैं इनकी लिस्ट काउंट करने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी मूवीज दी हैं जिन्हें आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीब भी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस जाया नहीं जाएगा तो आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक चांस तो दीजिएगा बाकी अगर हम बात करें स्टोरी लाइन की तो स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छे तरीके से दिखाई गई है स्टोरी को आदित्य चोपड़ा ने एंड हबीब फैसल ने संभाला प्रोड्यूसर्स में आदित्य चोपड़ा देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को हेमंत चतुर्वेदी ने हैंडल किया एंड एडिटिंग को आरती बजाज ने संभाला तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली डिजर्व करती तो जी यहाँ पर आप लोगों ने अर्जुन कपूर का नेम तो सुन रखा होगा हाँ अच्छे अल्फाज में नहीं तो बुरे में तो लाजमी सुना होगा ये सुना होगा कि हाँ उन्हें अच्छी एक्टिंग नहीं आती उनकी एक्टिंग स्किल अच्छी नहीं है ये सभी कुछ आप लोगों ने उनके बारे में सुन रखा होगा तो यहाँ पर मैं उनकी एक ऐसी मूवी लेकर आया हूँ जिनमें उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है एंड ये प्रूव किया है कि वो एक अच्छे एक्टर हैं यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल दो में रिलीज़ हो चुकी इश्क ज़्यादे के बारे में अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी है तो बेस्ट है आप लोगों ने देखी है वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो आप लोग इसे एक चांस दे सकते हैं मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ ये बार बार देखने लायक है बट हाँ आप लोग इसे एक मरतबा डेफिनेटली देखिएगा ये आप लोगों का चांस डिजर्व करती है आप लोग अगर इसे एक मरतबा देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसे रिकमेंड लाजमी करेंगे तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2012 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर इश्कजादे के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई एंड कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखें तो काइंडली हमारे चैनल को तो लाजमी से सब्सक्राइब कर दे क्योंकि इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा बट हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके चलते हम आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोस और भी लाते रहेंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज हो चुकी इश्क ज़्यादा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी के जर्नर पर कि इस मूवी के जर्नर में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा या नहीं होगा तो इसमें आप लोगों को एक्शन तो थो हाँ थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा बट बेसिकली ये मूवी जो है वो रोमांटिक मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को रोमांस के साथ साथ यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा एंड लिटरली वो काफ़ी अच्छे अंदाज में प्ले भी किया गया है उसी के साथ हम आगे बढ़े बढ़ेन बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम डोरेशन की बात करें तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो है जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जी बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो है यहाँ पर दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट जो कि एक एवरेज सी और डिसेंसी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आईएमडीबी रेटिंग किया है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी गूगल के यूज़र्स की तरफ से सिक्सटी टू परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे अंदाज़ में यहाँ पर जो है वो सारी की सारी मूवी को प्रेजेंट किया है उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टोरी लाइन को यहाँ पर इन्होंने हैंडल किया है बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने प्रजेंट भी किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी को यहाँ पर अभी हम फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देख सकते हैं और डायरेक्शन को किसने संभाला है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो हैंडल किया है हबीब फैसल ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम सर अंजाम दिया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है अगर हम बात करें कि पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिस लाइक इन्होंने दावत इश्क इश्कजादे उसी के साथ साथ कैदी बंद दो दुनी चार बेवकूफियां लेडीज वर्सेस रिकी बहल उसी के साथ साथ बैंड बाजा बारात झूम बराबर झूम आहा कल्याणम तार रमपम फैन और सलाम नमस्ते जैसी बहुत सारी मूवीज़ दी हैं और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं अगर मैं इनकी लिस्ट काउंट करने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिन्हें आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फ़ाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी अमेज़ोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस ज़ाया नहीं जाएगा तो आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक चांस तो दीजिएगा बाकी अगर हम बात करें स्टोरी लाइन की तो स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छे तरीके से दिखाई गई है स्टोरी को आदित्य चोपड़ा ने एंड हबीब फैसल ने संभाला प्रोड्यूसर्स में आदित्य चोपड़ा देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को हेमंत चतुर्वेदी ने हैंडल किया एंड एडिटिंग को आरती बजाज ने संभाला तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली डिजर्व करती वेल तो जी यहाँ पर आप लोगों ने अर्जुन कपूर का नेम तो सुन रखा होगा हाँ अच्छे अल्फाज में नहीं तो बुरे में तो लाजमी सुना होगा ये सुना होगा कि हाँ उन्हें अच्छी एक्टिंग नहीं आती उनकी एक्टिंग स्किल अच्छी नहीं है ये सभी कुछ आप लोगों ने उनके बारे में सुन रखा होगा तो यहाँ पर मैं उनकी एक ऐसी मूवी लेकर आया हूँ जिनमें उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है एंड ये प्रूव किया है कि वो एक अच्छे एक्टर हैं यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2012 में रिलीज़ हो चुकी इश्क ज़ादे के बारे में अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी है तो बेस्ट है आप लोगों ने देखी है वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो आप लोग इसे एक चांस दे सकते हैं मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ ये बार बार देखने लायक है बट हाँ आप लोग इसे एक मरतबा डेफिनेटली देखिएगा ये आप लोगों का चांस डिजर्व करती है आप लोग अगर इसे एक मरतबा देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसे रिकमेंड लाजमी करेंगे तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2012 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर इश्कज़ादे के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई एंड कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखें तो काइंडली हमारे चैनल को तो लाजमी से सब्सक्राइब कर दे क्योंकि इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा बट हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके चलते हम आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोज़ और भी लाते रहेंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज़ हो चुकी इश्क जादे के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी के जनर पर कि इस मूवी के जनर में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या है? इस मूवी के अंदर हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा या नहीं होगा तो इसमें आप लोगों को एक्शन तो थो हाँ थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा बट बेसिकली ये मूवी जो है वो रोमांटिक मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को रोमांस के साथ साथ यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा एंड लिटरली वो काफ़ी अच्छे अंदाज़ में प्ले भी किया गया है उसी के साथ हम आगे बढ़े बढ़ेन बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम डोरेशन की बात करें तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो है जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जी बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो है यहाँ पर दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट जो कि एक एवरेज सी और डिसेंसी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आईएमडीबी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी गूगल के यूज़र्स की तरफ से सिक्सटी टू परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे अंदाज़ में यहाँ पर जो है वो सारी की सारी मूवी को प्रेजेंट किया है उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टोरी लाइन को यहाँ पर इन्होंने हैंडल किया है बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने प्रेजेंट भी किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी को यहाँ पर अभी हम फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देख सकते हैं और डायरेक्शन को किसने संभाला है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो हैंडल किया है हबीब फैसल ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम सर अंजाम दिया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट की है अगर हम बात करें कि पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिस लाइक इन्होंने दावत इश्क इश्क ज़ादे उसी के साथ साथ कैदी बंद दो दुनी चार बेवकूफियाँ लेडीज वर्सेस रिकी बहल उसी के साथ साथ बैंड बाजा बारात झूम बराबर झूम आहा कल्याणम तार रम फैन और सलाम नमस्ते जैसी बहुत सारी मूवीज दी हैं और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं अगर मैं इनकी लिस्ट काउंट करने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिन्हें आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस ज़ाया नहीं जाएगा

तो बुरे में तो लाजमी सुना होगा ये सुना होगा कि हाँ उन्हें अच्छी एक्टिंग नहीं आती उनकी एक्टिंग स्किल अच्छी नहीं है ये सभी कुछ आप लोगों ने उनके बारे में सुन रखा होगा तो यहाँ पर मैं उनकी एक ऐसी मूवी लेकर आया हूँ जिनमें उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है एंड ये प्रूव किया है कि वो एक अच्छे एक्टर हैं यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2012 में रिलीज़ हो चुकी इश्क के बारे में अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी है तो बेस्ट है आप लोगों ने देखी है वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो आप लोग इसे एक चांस दे सकते हैं मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ ये बार बार देखने लायक है बट हाँ आप लोग इसे एक मरतबा डेफिनेटली देखिएगा ये आप लोगों का चांस डिजर्व करती है आप लोग अगर इसे एक मरतबा देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसे रिकमेंड लाजमी करेंगे तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2012 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर इश्कज़ादे के बारे में कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई एंड कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखें तो काइंडली हमारे चैनल को तो लाजमी से सब्सक्राइब कर दे क्योंकि इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा बट हाँ हमें मोटिवेशन मिल जाएगी जिसके चलते हम आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोस और भी लाते रहेंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज़ हो चुकी इश्क ज़्यादा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी के जनरल पर कि इस मूवी के जनरल में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या है? इस मूवी के अंदर हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा या नहीं होगा तो इसमें आप लोगों को एक्शन तो थो हाँ थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा बट बेसिकली ये मूवी जो है वो रोमांटिक मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को रोमांस के साथ साथ यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा एंड लिटरली वो काफ़ी अच्छे अंदाज़ में प्ले भी किया गया है उसी के साथ हम आगे बढ़े बढ़ेन बात करें टाइम ड्यूरेशन की कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जी बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो है यहाँ पर दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट जो कि एक एवरेज सी और डिसेंसी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आईएमडीबी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 6.5 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी गूगल के यूज़र्स की तरफ से सिक्सटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी को यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे अंदाज़ में यहाँ पर जो है वो सारी की सारी मूवी को प्रजेंट किया है उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टोरी लाइन को यहाँ पर इन्होंने हैंडल किया है बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने प्रेजेंट भी किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी को यहाँ पर अभी हम फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देख सकते हैं और डायरेक्शन को किसने संभाला है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो हैंडल किया है हबीब फैसल ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम सर अंजाम दिया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है अगर हम बात करें कि पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिस लाइक इन्होंने दावत इश्क इश्क जादे उसी के साथ साथ कैदी बंद दो दुनी चार बेवकूफियाँ लेडीज वर्सेस रिकी बहल उसी के साथ साथ बैंड बाजा बारात झूम बराबर झूम आहा कल्याणम तार रमपम फैन और सलाम नमस्ते जैसी बहुत सारी मूवीज दी हैं और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं अगर मैं इनकी लिस्ट काउंट करने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिन्हें आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस